कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना, जो कहेगा बहुत बढ़िया उसको 50 रुपए मेरी तरफ से। तो आज हम आ चुके हैं दिल्ली के एक एडवेंचर पार्क में जो कि मयूर विहार में, भी यहाँ पे टिकट भी लेनी पड़ती है। तो मैंने 2 टिकट ले रखे, दूसरे किसके लिए नहीं बताऊ। देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। ये सब कुछ है भाई, आज सब कुछ गरीब लोग। तो भैया ये देखो, खतरों के खिलाड़ी रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। ये सब क्या है? तो थोड़ा सा डरावना लग रहा है। ये लो पहला कदम मैंने इसके अंदर रखा। बाकी मजा आया इससे बहुत ज्यादा भाई। बहुत अंधेरा है तो फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ेगी। अबे इसमें तो जूता फंस गया मेरा। गिरने से बच गया भाई। तो भाई ये हो चुका है खत्म, अब चलते हैं, उतरते हैं यहाँ से। तो चलते हैं, देखते हैं बोटिंग की एंट्री कहाँ से होगी। वो देखो लाइन कितनी लंबी है वहां पे और भीड़ कितनी ज्यादा है। ऐसा लग रहा है मैं गोवा में घूम रहा हूँ, नैनीताल में घूम रहा हूँ, कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ मुझे पता नहीं। देखो भाई पानी की हालत देखो, एकदम गोलगप्पे का पानी है। तो मैं जब मैं नैनीताल में था वहां पे भी मैंने बोटिंग करी थी, वहां पे भी बहुत मजा आया था। चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। बट पांव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हालत खराब हो गई। संडे के दिन यहाँ के कोई फायदा नहीं है, इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई ना, इतनी ज्यादा भीड़। एक दिन मैं इसको खरीद लूंगा, उस दिन अब दूसरा ब्लॉग बनाएंगे हम, ठीक है। गेरी सारी बॉले इसे पकड़ते कैसे? अच्छा यहाँ से पकड़ते। चलो फेंक के देखते हैं क्या होता है। तो निशान अपना पक्का है। अरे तो ब्लैंक चले गई। तो मैं खाली खाली को जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रहा है? तो भैया बहुत मजा आया आर्चरी करके, मतलब एक भी निशाना नहीं लगा। इन लोगों से कहाँ निशाना लगता है। बट ये है सामने मेरे गोस्ट हाउस, उसकी हालत भूतों से भी बदतर है। तो चलिए इसके अंदर देखते जाके क्या क्या है। दरवाजा जैसे बंद करते हैं ना आपको अंदर डाल देंगे। भाई अंदर जाते साला इतनी तेज चिल्लाया बंदा कि मैं डर गया। असली वाले भूत से इतना डर नहीं लगेगा जितनी तेज वो चिल्ला गया था अंदर। उसके बाद एक हड्डी आके सर पे लग गई थी, वो भी बहुत खतरनाक थी। तो कैसा लगा, कैसा लगा आपको? मजा आया? पूरे पैसे वसूल हो गए यहाँ पे आके। इतना फन मैंने अभी तक कहीं नहीं किया। मैंने गोस्ट हाउस मॉल पे भी देखा था, GIP मॉल पे, पर इतना मजेदार नहीं था वो। ये काफी ज्यादा मजेदार है यार, आओ कभी यहाँ पे। वाह क्या बात है। 25 रुपए एंट्री है इस पार्क की और आप इस पार्क में पूरा घूम सकते हो 25 रुपए देके। पर यार खाली घूम के कोई फायदा नहीं है। तो भाई लोगों ये पड़ता है मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन, वहां पे आना, वहां से एक ऑटो कर लेना। ईओडी पार्क बोलना, डायरेक्टली यहाँ पे छोड़ देगा। अगर किसी को ईओडी पार्क ना समझ में आए तो संजय झील बोलना, उसी के आसपास ही है ये।